सुनो, तुम क्या पढ़ रही हो? मैं वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ रही हूँ। अच्छा, वो कौन थे? क्या तुम्हें पता है, भारत भूमि पर अनेक महान ऋषि मुनि संत वैज्ञानिक का जन्म हुआ। उनमें से एक त्रेता युग में जन्मे वाल्मीकि जी थे। क्या तुम जानती हो कि रत्नाकर डाकू किस तरह वाल्मीकि जी बने? और विश्व का सबसे महान काव्य रामायण की रचना की। तुम्हें पता है, जब एक बार उनके क्षेत्र में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटना शुरू किया। तभी वह एक सप्त ऋषि से मिले और उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन विद्वान ऋषि ने उन्हें यह सब कर्म दंड छोड़ शक्ति भावना और ध्यान शक्ति करने की सलाह दी और उन्हें एक मंत्र दिया। ईमान मगन हो गए कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। जब वही ऋषिगण वहाँ वापिस आए तो उन्होंने देखा चींटी के टीले से ध्वनि आ रही है। जब ऋषियों ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद के साथ एक वाल्मीकि का नाम दिया। क्या तुम्हें पता है कि वाल्मीकि जी का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? वाल्मीकि का अर्थ है चींटी का टीला। हम वाल्मीकि जयंती कब मनाते हैं? हम वाल्मीकि जयंती शरद पूर्णिमा के दिन मनाते हैं।